दिल्ली की एकमात्र महिला बस चालक सीमा ठाकुर ने अपने दम पर समाज में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। सीमा के पिता HRTC में ही ड्राइवर थी, तो अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलकर समाज की विचारधारा को बदलने की सीमा ने ऐसी ठानी कि अब वो HRTC में वॉल्वो सेल की अनुभवी और गुणी महिला चालक है। सीमा ने बाबा नाहर सिंह मंदिर में चालक बनने की मन्नत मांगी थी और अपनी मन्नत पूरी होने पर भंडारे का आयोजन करना था। वहीं अब अपनी मन्नत पूरी होने पर सीमा ने विशाल भंडारे का आयोजन किया और बीती रात भव्य कीर्तन का भी आयोजन हुआ। इस भंडारे में हजारों लोगों ने मंडियाली धाम का प्रसाद ग्रहण किया। ऐसे था कि भाई मेरा जो सपना है वो सबसे अलग था, तो मैं कुछ अलग करके दिखाना चाहती थी। तो मैंने जब मुझे पता चला कि हर डिपार्टमेंट में लेडीज़ आ चुकी है, लेकिन एक HRTC में लेडीज़ नहीं थी, स्पेशली ड्राइवर पोस्ट में चालक बतौर, तो मुझे मतलब ये था कि मुझे मतलब कुछ अलग करके दिखाना था और मुझे हिमाचल में मतलब HRTC में ड्राइवर बनना था। तो उस वजह से मतलब HRTC में ड्राइवर बनने के लिए मतलब मेरा बहुत ज़्यादा अपना बहुत क्रेज था और अपनी वो मतलब एक सपना था। तो वही मैंने बाबा जी से प्रार्थना की थी कि बाबा जी, जब मैं HRTC में ड्राइवर लग जाऊँगी तो मैं आपके यहाँ पे मंदिर में भंडारा। मुझे 7 साल पूरे हो गए हैं HRTC में, 8वां साल लग गया है और जो मेरा सफ़र है वो टैक्सी से शुरू हुआ था और आज मैं वॉल्वो बस चला रही हूँ जो HRTC की एक लास्ट स्टेज है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अपनी HRTC में हर जगह सेवा दी है और आगे दे रही हूँ और आगे दूंगी भी। तो मुझे ये खुशी होती है कि मैंने A से लेकर Z तक जो भी हमारे HRTC में व्हीकल्स है, चाहे वो एक टैक्सी थी, टवेरा है, या आपका टेम्पो ट्रैवल है, या मिड्डी बस थी सरवार माजदा, या फिर VS4, VS6, वॉल्वो इलेक्ट्रिकल्स, सब मैंने आज चला ली है। चैलेंजिंग आए हैं, आते हैं और आ रहे हैं, तो मुझे उनको मतलब फेस करना है और डरना नहीं है और आगे बढ़ना है। सर, एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसे आप देखते हैं कि आसमान में फीमेल एरोप्लेन लेके उड़ती है, या आज के टाइम में आर्मी में है, पुलिस में है, हेल्थ में है, तो वो भी नाइट ड्यूटी करती हैं। तो फिर जब वो नाइट ड्यूटी करती है तो मैं भी नाइट ड्यूटी कर सकती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक बोलने की बात है कि अगर मैं नाइट ड्यूटी करूँगी या मैं नाइट में जाऊँगी तो मुझे कोई दिक्कत आएगी या कोई परेशानी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैंने अपने पैसेंजर को, अपनी बस को, या जिस रूट पर मैं जा रही हूँ उसको मैंने कैसे हैंडल। सीमा बताती है कि HRTC की बस चलाना उनके लिए एक महज नौकरी न होकर जुनून रहा है। इसके लिए हर प्रकार के टेस्ट पास कर शिमला, तारा देवी और मंडी में चालक की ट्रेनिंग हासिल की। अब रामपुर से दिल्ली, रोहड़ू से दिल्ली, टापरी आदि स्थानों पर वॉल्वो लेकर अपने हुनर के हस्ताक्षर कर चुकी है। बहरहाल सीमा ने प्रदेश की बेटियों को अपना लक्ष्य निर्धारित करने और उसे प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देने की सलाह दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।